बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिवोल्यूशन प्लेन 2000। वेल, तो आज हम इस डिवोल्यूशन प्लेन के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इसके फैक्ट्स, इसकी हिस्ट्री को हम जानेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या चीज़। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना है कि डिवोल्यूशन प्लेन किसको कहते हैं या ये क्या चीज़ था। एक्चुअली डिवोल्यूशन जो होता है ये एक लीगल अथॉरिटी है, एक पावर है जो कि ट्रांसफ़र होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल एंड लोकल गवर्नमेंट तक। ठीक है, जिसका मकसद था कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा इफ़िशेंट और रिस्पॉन्सिव बनाना था टू द लोकल नीड्स। सो जब मुशर्रफ इक्तदार में आते हैं, चूंकि उन्होंने ये डिवोल्यूशन प्लेन इंट्रोड्यूस किया था, तो जब ये इक्तदार में आते हैं, पावर में आते हैं, तो वो एक रिटायर्ड जनरल की सरबराही में, जिसका नेम था तनवीर नकवी, ठीक है, उनकी सरबराही में क्या करते हैं, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो को सेटअप करते हैं ताकि वो एक स्कीम को डिवेलप कर सके फॉर द डिवोल्यूशन इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल, के निचली सतह पर डेमोक्रेसी को सेटअप किया जा सके या लोकल जो पीपल है उनको रिप्रेजेंटेशन दी जा सके। सो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं ताकि आपको क्लियरली इस टॉपिक की समझ आ जाए। तो बैकग्राउंड में अगर हम पिछले हिस्ट्री पर नज़र डालें कि जब पाकिस्तान इज़ अ फेडरेटिंग कंट्री आज़ाद हुआ 1947 में, या अगर हम इसकी और पोलिटिकल हिस्ट्री को देखें, तो इसमें हमें मिलिट्री रूल, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल लीडरशिप और सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, बट जो आइडिया ऑफ डिवॉल्विंग पावर है, जो निचली सतह पर लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, ये पाकिस्तान के लिए न्यू नहीं है। ठीक है, इससे पहले हमने 1959 में भी लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश होते हुए देखा, जिसको कई बार अगर देखा जाए तो क्रिएट भी किया गया इस लोकल सिस्टम को। ठीक है, और कई मिलिट्री गवर्नमेंट ने आके इसको ख़त्म भी किया। ठीक है, सो पाकिस्तान, अब देखते हैं कि पाकिस्तान ने कब कब ये लोकल गवर्नमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है या डिवॉल्विंग पावर है वो कब कब उन्होंने आजमाया। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अयूब खान की दौर आई थी तो उस टाइम हमें देखने को मिला था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, 1959 में जिस तरह मैंने यहाँ पर बात कर दी, जिसको कंट्रोल करते थे जो लोकल गवर्नमेंट थी अयूब खान के दौर में, वो ब्यूरोक्रेसी एंड द ऑफिसेस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर उसको कंट्रोल करते थे। इसके बाद जो दूसरा मिलिट्री रूल हमें देखने को मिला था वो जनरल ज़ियाउल हक का था, जिन्होंने दोबारा से जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम थी जो ख़त्म हो चुकी थी उन्होंने दोबारा से रिवाइव किया, जो कि चला था तकरीबन 1977 से 1988 तक। ठीक है, सो लाइक अयूब, ज़िया अंडरटुक पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन एट द फेडरल एंड प्रोविंशियल लेवल व्हाइल इंस्टीट्यूटिंग इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन एट द लोकल लेवल। सो मिलिट्री रूल के अलावा हमें 1988 से 1999 तक हमें चार डेमोक्रेटिक पीरियड्स देखने को मिले थे, जिसमें दो दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो और दो दफ़ा नवाज शरीफ हुकूमत में आए हुए थे। ठीक है, बट हमें इनके दौर में कहीं पर भी ये देखने को नहीं मिला था कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पर कोई काम किया हो। ठीक है, इसके बाद जब ये दोनों, मतलब नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट जब दो दो दफ़ा वो हुकूमत में आते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद अगेन मिलिट्री रिजीम आती है, मींस दैट के मुशर्रफ दोबारा से, जनरल परवेज़ मुशर्रफ इक्तदार में आते हैं और वो दोबारा से एक्सपीरियंस करते हैं अबाउट दी डेवोल्यूशन पावर। ठीक है, और इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं, 2001 में लीगल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करते हैं। ठीक है, सो जब मुशर्रफ का अर्ली टेन्योर होता है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, एम्बिशियसली उन पर काम किया जाता है, स्कोप उनकी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है,
इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ने ना सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट सतह पर जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको इस्टेब्लिश किया, बल्कि उन्होंने एक खासी मकदार भी औरतों के लिए भी मुख्तस कर दी। मीन्स डेट के 33% कोटा वोमेन के लिए भी लोकल गवर्नमेंट में मुख्तस कर दी। इसके अलावा रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हुए या जो अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ थे जैसा कि पीजेंट एंड वर्कर्स हुए, उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन को मुकर्रर कर दी। सो अब डिस्कस करते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ की जो डिवोल्यूशन प्लान थी वो कैसी थी। वो इस तरह थी कि दैट वाज कंसिस्ट ऑफ थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो काम करती थी। सेकंड तहसील, और थर्ड जो लोवेस्ट टायर था दैट वाज यूनियन काउंसिल्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पर अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स में कौन होते थे, डिस्ट्रिक्ट को रन करते थे जिले नाजिम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स डेट के इस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में कौन होता था, वो जिले नाजिम होता था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस होते हैं जिसको एडमिनिस्टर करते थे सब ऑफिसेस ऑफ दी तहसील लेवल। ठीक है, एंड देट वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द डिस्ट्रिक्ट नाजिम हु वॉज असिस्टेड बाई द डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर। ठीक है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफिसर होता था इसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करती थी। ठीक है, सो ये क्या करते थे, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो प्रॉब्लम्स होती थी या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ चेक एंड बैलेंस के हवाले से ये लोग काम करते थे। ठीक है, और इसको फिर आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। नेक्स्ट अगर हम तहसील की बात करें तो इस तहसील को कौन रन करता था, इसको तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रन करता था। सो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेस्ट ऑफ तहसील नाजिम। मीन्स डेट के इसको कौन एडमिनिस्टर करता था, इसको तहसील नाजिम एडमिनिस्टर करता था। इसके अलावा तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर, तहसील ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और इसके अलावा कुछ और ऑफिशियल्स थे जो कि इनकी हेल्प करते थे। ठीक है, लास्ट जो लोवेस्ट टायर थी दैट वाज यूनियन काउंसिल। सो हर एक यूनियन काउंसिल का एक चेयरमैन होता था और साथ में 26 काउंसलर्स होते थे। ठीक है, सो द मेन फंक्शन ऑफ द यूनियन काउंसिल वाज टू अंडरटेक लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड मॉनिटर सिटीजंस राइट, सिक्योरिटी एंड सर्विसेज। So this was all about the devolution plan of General Pervez Musharraf. Hope you guys will understand this. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah.